बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी सब ठीक है। जो भी मेरे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बाद रखे। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आज कपड़े धो लिए सुबह सुबह मैंने, पहले सबसे फ्रिज धोई और फिर जैसे जो फर्श गंदा हो गया था वो धो लिया, उसके बाद मैंने लगाई मशीन और कपड़े धो लिए। अभी जी बस ये फ्रीज सूखने वाला रह गया, मैंने निचोड़ कर इधर इसको फैलाते हैं और बाकी जो आपके साथ जो काम है वो शेयर करते हैं। तो जो मैंने कपड़े फैला दिए काफ़ी सारे भी है। कमरे में रख दिए सोते रहेंगे। उधर जो मेरी बहू ने ना चारपाई जो है ना वो काट दी है, उसके रस्सियाँ नई बनाने लगे। और ये भी पता, ये लेट उठाओ, ये अंदर रख जाओ, पकड़ो किचन में रखो। ये भी छाँव में करते हैं, इसके इसके ऊपर ना रखे थे कपड़े, इसको भी छाँव में खिलाते हैं। हाँ जी, आपको भी उधर करते। ये पानी किसने गिराया? क्यों गिराया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला था। पागल हो आप? जी हाँ, मैं ना गिफ्ट आया आम का, चाही आमों का, तो मैं ना इनको ना भिगोने लगी हूँ। पानी में डाल देते हैं ना तो फिर इनका जो पकने का जो होता है ना प्रोसेसर वो ख़त्म हो जाता है, इस तरह फिर ये पकते नहीं हैं, हरे के हरे रहते हैं। तो अभी जी शाम तक हम इनका ना बनाएंगे अचार। पहले हम इसको ना पानी में डाल के रख देते हैं, इस तरह ये भीग रहेंगे और ये पकेंगे। ये देखिए, ये सही अचार ही जो आम होते हैं ना, ये वो है। इसका तो ना तो ये कद्दूकस होंगे और ना कचूमर बनेगा, इसका बनेगा पीसेज वाला अचार। जी मैंने ना थोड़ी सी मलाई जमा की हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना आज ना इसको ना रख लेते हैं और मक्खन निकालते हैं। कितने दिन के जमा थे, तो मैंने इसको जाग लगा दी। इसका बीज बन गया दही, और अभी मैं इसको ना फ्रिज धोई थी, पड़ी हुई थी, दो तीन दिन हो गए मैंने जाग लगाई थी। तो अभी मैंने आज फ्रिज साफ़ किया ना, तो मैंने सोचा कि ये भी ना इसका भी आज मक्खन बनाते हैं और फिर बाद में घी बनाएंगे। घी बना रही हूँ, एक किलो तकरीबन हो गया। मैंने जब जाना ना लाहौर तो अपने बच्चों की लेके जाना, क्योंकि मेरे बेटे दो उधर ही हैं ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो घी बना कर ना तो उन्हें उधर ही दे आती हूँ, तो वो खा लेंगे रोटी को लगा कर। छोटा सा इसमें डालते हैं पानी, अच्छे अच्छे से ले लें ऊपर आ जाएगा। अभी थोड़ा गर्मी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा नरम सा है।
ये मैं ना एक या दो डब्बे भर जाते हैं ना मलाई के, तो फिर मैं इनको जाग लगा देती हूँ, दही लगा कर ना तो रख देती हूँ रात भर के लिए इधर। तो फिर सुबह उठ के ना तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, और जिस दिन भी मुझे टाइम मिले थोड़ी सी फुर्सत हो तो फिर मैं ना ये मक्खन निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको गर्म करके तो इसका घी बना लेती हूँ। तो इस तरह ये है कि मलाई जो है ना ऊपर फ्रिज के ऊपर जो होता है ना बर्फ़ वाला खाना, उसमें मैं रखती जाती हूँ, ख़राब भी नहीं होती और इसकी इसमें स्मेल भी नहीं आती। तो माशाल्लाह से ये देखिए माँ कितना सारा मक्खन निकल आया। ये जी माशाल्लाह से मक्खन, अभी जो लस्सी है ये थोड़ी सी ऐसे निकाल देंगे। जी तो आज हम ना इधर आए हैं किसी काम से, तो हमने कहा ये भी काम कर दे, बच्चे आए थे मेहमान कह रहे थे हमें आंटी लेकर चलो उधर मम्मी, तो हम आए हैं इधर अपनी ना कुछ जानवर छोड़े हुए थे वो देखने आए हैं कि वो हमने उनका क्या करना है। तो अभी जो हम उनके घर चलते हैं, उन्होंने तो कैमरे में नहीं आना वीडियो में नहीं आना, तो मैं तो आऊँगी फिर बाद में आपसे जो भी होगा ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी जी तो ये है जी मड हाउस, हम सोच रहे थे कि ये भी हम ना ख़रीद लें, तो अभी हम आपसे मशवरा करेंगे कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम ये मड हाउस लेंगे। इधर जी एक कमरा बना हुआ है, एक बरामदा बना हुआ है, इधर ये सारा जंगल है। तो ये देखते हैं यार, ये ना ये कमरा जिनका है उन्होंने ताला लगाया हुआ है, और ये उनका बरामदा सा बना हुआ है। तो इधर ही वो सर्दियों में चूल्हा वगैरह इधर ही रखकर अपनी हांडी रोटी पकाते हैं, एक इधर भी बना हुआ है। इधर चूल्हा बनाया हुआ है और तवी भी बनाई हुई है, और साथ ही इन्होंने ना ये इधर तंदूर भी लगाया हुआ है। तंदूर को ना घड़ा रखकर मट्टी लगा दी है ताकि इसमें ना पानी ना जाए, तो ये मैं उठा तो नहीं सकती क्योंकि ये बिल्कुल फिट है। इसके साथ ना उन्होंने लपाई कर दी है इसकी, तो ये रोटियाँ लगाते हैं, और लकड़ियाँ ये भी इधर काफ़ी सारी मकदार हैं। बालन की तो लकड़ियों की तो कोई टेंशन नहीं होती, तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि हम ये मड हाउस ख़रीदें कि नहीं। तो जी आप बताएंगे तो हम ये लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो अभी जब आए हैं इस ख़ास तौर पर जो काम आए हैं ना वो बकरियों के लिए आए हैं, हम आपको बकरियाँ भी दिखाते हैं, इनको दी थी चराई के लिए। तो अभी ना मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा वो मामू को दे दो एक मेरी बकरी, तो कि उन्होंने बेचनी भी है या नहीं बेचनी, अब जैसे भी है अगर वो हथियारे पर रखेंगे तब भी, अगर बेचेंगे तब। तो जी अभी आपको ना मैं बकरियाँ भी दिखाती हूँ। जी अभी ना हम अपनी एक बकरी और उसका जो आया ले लिया, ये मेरे कजन जो है ना मेरी आमना की फूफो उनका ना ये बेटा है, तो ये दो बकरियाँ जो है ना हम उनको देने लगे ये लेने के लिए आए हैं। तो अभी हम इधर हमने छोड़ी हुई थी तो इधर से हम दे के जा रहे हैं। वो जो सफ़ेद बकरी है वो भी मारी है, बहुत छोटी ये, और ये तीन चार जो है ना दो तीन छोटी एक बड़ी वो भी, बाकी इनका ये सब ये देखे छोटी सी कितनी बारिश मिली है। कोई बात चाचे को किलो हाँ
गरम गरम का जी, देखो मैं कॉल आई थी जी लाई आपके लिए। हुसैन सईद किधर है? हुसैन सईद, ये देखो चीजें बच्चों के लिए, ये मैं वादा करके गई थी आपके लिए, जलेबी हैं, पकौड़े, और ये जो है ना लेके आऊँगी चिप्स। आज आज आ जाओ, और जिस मेरे बहन भाई ने हमारे साथ खाना, वो भी आ सकते, ट्रे लेके आओ, निकालें, आज आ जाओ। ये देखो जलेबी भी लाई हूँ, पकौड़े भी लाई हुई हैं, ये देखो पकौड़े खाने के, ये चिप्स खानी है, चिप्स खानी है, चिप्स चिप्स खानी है। अभी गम है भाई, गम करवा के लेके आए हैं, क्या चिप्स लेके आए हैं बेटा, इसमें डालो, ये मैंने उसने ऐसे के लिए ली है बस, गम है। अच्छा ये लो पकड़ो। हाँ जी बेटा जी, चलो जी अपने पापा को मिलो जी, वीडियो का भी यहीं पर एंड कर देती हूँ, और जिस मेरे बहन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। अभी जी बड़ी गर्मी है तो इतना खप के आए हैं ना, गम है, अभी ठंडे करके खाना, ये पकड़ो बेटा। तो जी अभी जी निकालते हैं और सबको देते हैं, रोटी बनी हुई है, उन्होंने बना ली थी, और जलेबी देखे माशाल्लाह से कितनी मज़े की जलेबी है, यम्मी सी, मज़े की है, मज़े क्या ना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़।